जय हिंद। आप सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल में जो 17,727 पदों के लिए एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन जारी की गई है, उसमें एक एक्स सर्विसमैन कैसे अप्लाई कर सकता है। जैसे दोस्तों, हम उन एक्स सर्विसमैन के बारे में बात करेंगे जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं और कोई दूसरी सर्विस ज्वाइन कर चुके हैं इन ग्रुप डी और ग्रुप सी, और ऐसे सर्विसमैन के बारे में बात करेंगे जो कि नियर फ्यूचर रिटायर होने वाले हैं सर्विस से और इस भर्ती में अप्लाई करने वाले हैं। और दोस्तों, एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा एज का, कि एज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों एज, ठीक है। तो ये है आपके लिए एज का क्राइटेरिया, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ होता है कि 3 ईयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ मिलिट्री सर्विस रेंडर्ड फ्रॉम द एक्चुअल एज एज ऑन डेट द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो एप्लीकेशन जिस दिन क्लोज हो रही है, उस दिन से आप अपनी एक्चुअल एज जो है वो निकाल लीजिए कि आपकी एक्चुअल एज मान लीजिए कितनी है, 45 ईयर्स है। उसके बाद में आपने सर्विस कितनी की है दोस्तों, 25 ईयर्स या 20 ईयर्स। तो आपकी 20 जो एक्चुअल एज है, उसमें से एक्चुअल सर्विस जो आप करके रिटायर हुए हैं उसको माइनस कर दीजिए, जो भी फिगर आए उसमें से 3 साल और माइनस कर दीजिए, तो आपकी जो एज आएगी वो वहाँ से मान्य होगी, ठीक है। जैसे कि दोस्तों, फॉर एग्जांपल, आपकी जो सर्विस है वो एज है 45 ईयर्स, 25 ईयर्स आप सर्विस करके, सॉरी 20 ईयर्स आप सर्विस करके मान लीजिए रिटायर हुए हैं, तो 45 माइनस 20 यानी कि 25 ईयर्स बची। 25 ईयर्स में से 3 साल और माइनस कर दीजिए, 22 ईयर्स, तो आपकी जो एज है वो 22 ईयर है और आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट के ऊपर, जो कि यह है, एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइट, मतलब ऐसे एक्स सर्विसमैन जो ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब ग्रुप सी या फिर ग्रुप डी में एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट लेकर ज्वाइन कर चुके हैं, उनके लिए ये पॉइंट है कि वो इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, आर नॉट एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन एक्स सर्विसमैन, ठीक है। तो आप दोस्तों एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन के लिए यहाँ पर अवेलेबल, सॉरी एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने उस जॉब को ज्वाइन करने से पहले अपने डिपार्टमेंट के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन या फिर अंडरटेकिंग दिया है कि भाई मैं इस भर्ती को ज्वाइन करने से पहले इस भर्ती में अप्लाई कर चुका हूँ और इनका रिटर्न एग्जाम इतनी डेट को है या फिर इसका रिटर्न एग्जाम हो चुका है और रिजल्ट इतनी डेट को आने वाला है, तो इस तरह से आप डेट वाइज जो है वो अगर अपनी डिटेल्स दे देते हैं तो आप सेकंड जॉब के लिए भी एक्स सर्विसमैन के रिजर्वेशन ले सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों, आपके लिए एक्स सर्विसमैन का रिजर्वेशन वैकेंसीज में और फीस में नहीं मिलेगा, लेकिन एज में आपको रिजर्वेशन हमेशा मिलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ऐसे सर्विसमैन जो कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी में सर्विस कर रहे हैं और इन नियर फ्यूचर रिटायर होने वाले हैं, तो उनके लिए एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट अपने सीओ से साइन कराकर देना होता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आई नंबर ये, रैंक ये, नेम ये, ठीक है। इसमें आपका सीओ बोलता है कि भाई ये नंबर का, ये नाम का ये बंदा है और ये 1 साल के अंदर, उसमें डेट दी हुई होती है कि 1 साल के अंदर अपनी जो सर्विस है वो पूरी कर रहा है और उसमें साइन करके दे देता है, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे सर्विसमैन जो 24 जुलाई 2025 से पहले रिटायर होने वाले हैं, तो उनके लिए वो सर्टिफिकेट देना है। मैं आपको वो सर्टिफिकेट दिखा देता हूं अपने सीओ से साइन करा के, तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर आप पेज देखेंगे इस नोटिफिकेशन का, तो वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल, आई हियर बाई सर्टिफाई दैट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद मी, नंबर, रैंक, नेम इज ड्यू टू कंप्लीट द स्पेसिफिक टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, हिज एंगेजमेंट विद द आर्म फोर्सेस ऑन, यहाँ आ जाएगी डेट, लेकिन ये डेट ध्यान रखना 25 जुलाई 2025 से पहले होने जरूरी है, ठीक है, 24 जुलाई 2025 से। यहाँ पर आपके कमांडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर हो जाएंगे, ऑफिस की सील हो जाएगी, और इस सर्टिफिकेट को आप फॉर्म फिलअप करते समय अपलोड कर दीजिए
और आप इस भर्ती के लिए अवेलेबल सॉरी एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।